थी डेजी से। डेजी की अगले महीने शादी होने वाली है और वो इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन डेजी की तैयारी में शादी की ड्रेस, ज्वेलरी और प्री ब्राइडल ब्यूटी पैकेजेस के अलावा भी कुछ खास शामिल है। प्री मैरिटल काउंसलिंग के जरिए इन्होंने खुद को शादी के बाद की जिंदगी के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया है, जो सबसे जरूरी है। इफ यू डू काउंसलिंग, यू मे बी थिंग्स ही वोंट टेल यू डायरेक्टली, ही विल टेल द काउंसलर एंड यू विल कम टू नो यू नो कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर्ड बिटवीन यू ऑल। जब ये एक कोई पॉइंट होता है जो बियॉन्ड हम कह सकते हैं नो कम्युनिकेशन चला जाता है, सो दे फील दैट दे शुड कम एंड मीट समबडी एंड टॉक इट आउट बिफोर, इसके पहले कि वो शादी के बंधन में जुड़ जाए, बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाए, वो सोचते कि पहले जाके किसी प्रोफेशनल से पूछें। शादी से पहले आमतौर पर फैमिली वैल्यू, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन और सेक्सुअल नीड से जुड़ी बातों को लेकर मन में कई सवाल होते हैं। आगे क्या होगा ये सोचकर घबराहट और डर भी महसूस होता है। ऐसे में प्री मैरिटल काउंसलिंग इन बातों को खुलकर सामने लाने में फायदेमंद है। It's not about thinking negative, it's about being prepared. प्री मैरिज काउंसलिंग के बाद डेजी और इनके मंगेतर जैसे कई कपल्स का तनाव काफी कम हुआ है। अब ये जान गए हैं कि बेहतर कम्युनिकेशन और एक दूसरे पर विश्वास करना शादी की जिम्मेदारी को निभाने का गुरु मंत्र है। शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो परिवार, उनकी मूल्य और भावनाओं को संभालने की जिम्मेदारी है, जिसमें घबराने की बजाय समझ की ज्यादा जरूरत है। मुंबई में कॉफी काउंसलिंग सेंटर, माइंड टेंपल और स्नेहालय जैसी संस्थाएं प्री मैरिटल काउंसलिंग देती हैं। एक समय था जब श्रुति में आत्मविश्वास ना के बराबर था, लेकिन डांस थेरेपी के सेशन करने के बाद इनकी पर्सनालिटी के साथ इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार आया है। श्रुति की तरह ये थेरेपी ले रहे बाकी लोगों ने भी इसे करने के फायदे देखे हैं। तुझा की क्लासेस काफी टाइम से कर रही हूँ एंड आई हैव टू से वन थिंग कि उन्होंने बहुत हेल्प किया है, स्पेशली फॉर मी फॉर वर्क। आफ्टर द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रेस रिलीज होता है उसके कारण नेक्स्ट डे वर्क में माय कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, क्रिएटिविटी ज़्यादा आती है। डांस के थेरेप्यूटिक वैल्यू से हमारे अंदर छिपे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और हम पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। मगर दिलशाद की इस डांस थेरेपी में मन और शरीर को अलग तरह से बैलेंस किया जाता है। डांस इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्टर क्लास में आती है और आपको स्टेप सिखाते हैं। डांस मूवमेंट थेरेपी एक दूसरा हिस्सा है जो इतना अलग है कि आप क्लाइंट को बोले या आप पार्टिसिपेंट को बोले कि आप नाचो, फिर मैं आपके साथ नाचूंगी, मैं बॉडी एनालिसिस से मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो मूवमेंट से सॉल्व करवा के वो दे दूंगी। एक आम डांस क्लास से अलग इसमें लोग इंस्ट्रक्टर के बताए डांस मूवमेंट नहीं बल्कि खुद के मन के मुताबिक डांस मूवमेंट करते हैं। डांस थेरेपिस्ट पेशेंट के मूवमेंट पर उनके साथ नाचते हुए उन्हें थेरेपी देते हैं। अगर क्लाइंट ऐसे कॉन्केव चेस्ट के साथ आ जाए क्लास में तो ऐसे बहुत प्रोमिनेंट है कि उनके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मन कुछ दूसरा बोल रहा है, विच मीन्स उनका स्ट्रेस लेवल जो है, जो चेस्ट में स्ट्रेस लेवल्स है वो देख सकते हैं। तो डांस थेरेपिस्ट क्लास में आती है और उनको स्ट्रेच स्ट्रेटन करवाते हैं और फिर जब आप चेस्ट स्ट्रेटन करवाते हो तो चेंज इन माइंड, चेंज इन बॉडी, वो डांस थेरेपी है। डांस थेरेपी से डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, एनोरेक्सिया और ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये थेरेपी सीरियस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स और एचआईवी पेशेंट्स को भी दी जाती है। परफ्यूम शॉपिंग के लिए कोई जाता है तो मोस्ट कॉमन थिंग दैट पीपल डू इज़
परफ्यूम के कैप निकाल के सिर्फ बॉटल से सूंघते हैं. द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज परफ्यूम को हमेशा स्किन पे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं परफ्यूम के, दे आर मेड फॉर यू टू इंटरैक्ट विथ योर स्किन. एंड एक परफ्यूम जैसे मुझ पे स्मेल करेगा, वो शायद मेरी सहेली या मेरी बहन के स्किन पे अलग से रिएक्ट होगा और उन वहाँ पे फ्रेग्रेंस अलग से आएगी. डोंट ट्राई मोर देन 4 परफ्यूम्स. परफ्यूम जब भी आप स्प्रे करते हो स्किन पे, तो स्किन पे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स उसको रहने दीजिए, एंड देन द एक्चुअल स्मेल ऑफ द परफ्यूम और द एक्चुअल ट्रू कैरेक्टर ऑफ द परफ्यूम विल कम आउट. जो नए परफ्यूम आप टेस्ट करोगे वो कोई अलग पार्ट पे टेस्ट कीजिए. अनदर थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट परफ्यूम्स, क्लाइमेट. अगर अभी अगर बॉम्बे में है और इतनी गर्मी है, तो यूजिंग फ्रेश परफ्यूम्स, मे बी एक्वेटिक परफ्यूम्स फॉर मेन इफ दे लाइक इट, और सॉफ्ट फ्रेश फ्लोरल परफ्यूम फॉर वीमेन. Your stronger, intense perfumes are nice when you're going for a romantic date, when it's a special occasion. The office perfumes again have to be mild, subtle. Don't overdo the perfume is what you have to keep in mind.